जो मंदिर में जो लोग जाके पूजा करते हैं उसका इफेक्ट माइंड पर कैसे होता है, ये कहा जाए तो तुम्हारे मन में ये जिज्ञासा है कि अगर मंदिर में नहीं जाकर के कहीं और भी जगह जाकर पूजा करें तो इफेक्ट वही आएगा कि अलग होगा, ये जानना चाहते हो क्या? हाँ देखो ऐसा है कि मान लो तुम एक विद्यार्थी हो, तुमको पढ़ना है और तुम्हें मैं बैठा दूँ शराब खाने में कि यहाँ पढ़ो, एक वह स्थिति है, और फिर तुम्हें बैठा दूँ मैं जाके एक पुस्तकालय में कि यहाँ पढ़ो, और तुम्हें मैं बैठा दूँ एक मेले में ले जाके कि यहाँ पढ़ो, और तुझे बैठा दूँ एक स्कूल में यहाँ पढ़ो, तो तुम्हारा बेहतर परफॉर्मेंस तुम्हारे तर्क बुद्धि के हिसाब से क्या है कि कहाँ तुम बेहतर परफॉर्मेंस दे पाओ? वहाँ दे पाओ, जबकि दिमाग तुम्हारा वही है, लेकिन स्थान बदलने से अन्य लोगों का प्रभाव भी पड़ता है। हम लोग एक सामाजिक प्राणी है ना, वातावरण का प्रभाव पड़ता है, तो अन्यों के विचार, अन्यों के कर्म, अन्यों के व्यवहार, अन्यों की मनोदशा का असर हम लोग के मन मस्तिष्क पर होता है। यहाँ आदान प्रदान का ये खेल है, हम लोग के दिमाग से कुछ निकल रहा है और हम लोग के दिमाग में कुछ घुस रहा है, तो कहीं ना कहीं से सभी के दिमाग से कुछ ना कुछ तरंगे निकल रही हैं, सोच विचार भाव सब कुछ, हाँ तो उसका एक असर होता है। इस बात को समझ चुके हो, अब तुम खुद बुद्धिमान हो, तुम समझ सकते हो कि अगर एक व्यक्ति ऐसी जगह जाएगा जहाँ पर कि अधिकतर लोगों की मनोदशा यह है कि वहाँ पर इन गृहस्थी के जंजाल से मुक्त होकर के बैठ करके ध्यान कर सकें, साधना कर सकें, भजन कर सकें, कीर्तन कर सकें, आरती कर सकें, या वहाँ प्रवचन सुन सकें या प्रवचन कर सकें या कुछ पाठ कर सकें, तो वहाँ उसका बेहतर परफॉर्मेंस होगा। बात समझ में आ रही है? बेहतर परफॉर्मेंस होगा कहने मतलब वहाँ उसकी एकाग्रता ज़्यादा होगी, एकाग्रता उसकी वहाँ ज़्यादा होगी, उसका असर हम लोग के मन मस्तिष्क पर ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि एकाग्रचित जब हम लोग का मन होता है, लोग जब फोकस्ड होते हैं तो जिस चीज़ के प्रति फोकस होते हैं वह चीज़ जागृत होने लगता है दिमाग में। हम लोग के दिमाग में अलग अलग सेंटर है हर चीज़ के लिए, जैसे देखने का अलग सेंटर है, हम लोग पूरे दिमाग से नहीं देखते, हम लोग के दिमाग में देखने का एक केंद्र है। साइंस पढ़ते हो गए तो तुम जानते हो, बायोलॉजी पढ़े हो तो इसी को जानते हो। हम लोग का सुनने का एक अलग है, अलग अलग नसें भी होती हैं, ऑडिटरी नस होती है वो अलग होती है, सुनने के लिए होती है, बोलने के लिए अलग होता है, अलग केंद्र दिमाग में होता है, सोचने के लिए अलग स्थान होता है, हर तरह के स्थान, तो उस जगह को छेड़ दिया जाता है। हम लोग जो करते हैं, जिस चीज़ पर ध्यान लगाते हैं वह चीज़ छिड़ जाती है। यदि कोई व्यक्ति अपने शत्रु पर ध्यान लगाएगा तो क्या होगा? काम क्रोध ये सब जो है उसमें चिड़चिड़ापन गुस्सा ये सब, हाँ, या खतरनाक प्लानिंग उसके दिमाग में बनेगी। उस पर फोकस करेगा तो, मित्र पर फोकस करेगा तो ये सब चीज़ें नहीं बनेगी। एक कामों का आदमी स्त्री के ऊपर फोकस करता है तो उसमें सोचने लगता है, फिर उसकी अलग ऊर्जा बनने लगती है, उसके दिमाग में अलग हार्मोन्स तैयार होंगे, अलग उसमें सोच विचार सब आने लगे, अलग व्यवहार हो जाएगा। यानी जिस चीज़ पर हम लोग फोकस करते हैं उसका असर हम लोग के शरीर पर पड़ना शुरू होता है। तब हम लोग का जब वहाँ पर ध्येय, एक तो ध्येय हम लोग का पवित्र है और दूसरा हम लोग का वहाँ फोकस पवित्र है, और फोकस जो है सॉलिड है, कॉन्क्रीट है, ज़्यादा है, तो इसका असर वहाँ ज़्यादा आएगा। यदि वहाँ एक नेचर के लोग गए हुए हैं, एक स्वभाव के लोग गए हैं, एक ध्येय से गए हैं, तब अब उसी में चूंकि मंदिर है तो भीड़ भाड़ में सब जगह जाते हैं, लेकिन मान लो कुछ ऐसे भी मंदिर है, कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहाँ पर चुनिंदे लोग जाते हैं, सब लोग नहीं जाते हैं, तो वैसे मंदिरों को क्या किया जाता है
ऐसे मंदिरों की क्या योजना बनी थी, साधु संतों की बात बता रहा हूँ, उसको काफ़ी दूर बनाया जाता था जहाँ आम आदमी नहीं पहुँच सके, यानी गृहस्थ नहीं जा सके, और दूर दूर पहाड़ों पर, जंगल में, बिहड़ बियावान में, वैसी जगह। तो वहाँ वह किसके लिए बनाया गया था? जो साधक लोग हैं, जो गृहस्थी के जंजाल से मुक्त हैं, मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए वो बनाया गया था। और आम जो मंदिर हैं वहाँ तो गृहस्थ लोग जो हैं उनमें से अधिकतर जाते हैं, अपने गृहस्थी का बोझ लेकर के ही जाते हैं और वहाँ पर गृहस्थी के सामानों को ही मांगते हैं, या उसी के प्रेरणा वहाँ मंदिर में भी जो जा रहा है वो ये मांग रहा है कि हमको बच्चा हो जाए, तुम्हारी शादी हो जाए, तो मैं पास हो जाऊँ, तो मेरी नौकरी लग जाए, तो मेरा व्यापार चल जाए, तो मुझे लाइसेंस मिल जाए, तो मुकदमा मैं जीत जाऊँ, समझ रहे हो ना, कि मेरा रोग ठीक हो जाए, इन्हीं सब चीज़ों को मांग रहा है। तो ये सब चीज़ें मांगने वाले जो मंदिर हैं, तो इधर जो गांव देहात बाज़ार में सब हैं, इन मंदिरों से हट करके मंदिर बनाए गए बिहड़ बियाबान में, कि ताकि ये गृहस्थ लोग ऐसे अपने प्रदूषित मानसिकता से, यानी सांसारिक मानसिकता से उस मंदिर को नुकसान नहीं पहुँचा सके। उन मंदिरों में जो प्रवेश है सिर्फ साधकों के लिए, वे लोग जिनको कि इन सब चीज़ों को दिमाग से पहले हटा चुके हैं, अब उसको सिर्फ ईश्वर में ध्यान लगाना है, वहीं जाना है। तो वैसे जो है वो और पवित्र मंदिर थे, क्योंकि वहाँ की आभा अलग हो गई थी, वहाँ हम लोग मन मस्तिष्क उसका अलग हो गया था, वहाँ जाने वाले का वहाँ और जल्दी प्रगति होती है। तो जो मंदिर हैं इनकी भी कई कैटेगरी है, तो वैसे जो मंदिर हैं वे सब जो है और भी पवित्रता रखते हैं, इस वजह से कि वहाँ पवित्र उद्देश्य है, ज़्यादा फोकस्ड है, और वहाँ इन सब सांसारिक चीज़ों से मुख्य कोई कामना वाले से नहीं जाते। लेकिन चूँकि अब जो है इतने ज़्यादा संसाधन बढ़ गए आवागमन के, और इतना ज़्यादा चूँकि अब तो सैटेलाइट भी सरकार ने कर दिया और कई चीज़ें कर दिया, सब लोग खोज लिए ऐसे मंदिरों को, लोगों ने खोज लिया गृहस्थों ने, जो साधु संतों ने छिपा के बनाए थे उनको भी खोज लिया, और ये वहाँ भी जाने लगे, वो उनको ज़्यादा आकर्षित करने लगे, क्योंकि उसकी आभा ही अलग थी। केदारनाथ पहले सब कोई थोड़ी जाता था, अब तो हर कोई पिकनिक मनाने के लिए भी पहुँच जा रहा है वहाँ। हाँ, बद्रीनाथ भी पहुँच जा रहा है, वो तो काफ़ी बिहड़ थे, वहाँ जाने का सोच भी नहीं सकते थे लोग, कल्पना भी नहीं कर पाते थे कि जाना इतना दूर था, 200-200 किलोमीटर जो है पैदल जो है, जहाँ पर सड़कें नहीं हैं, जहाँ पगडंडिया तक भी नहीं है निर्माण करना, वहाँ तक लोग जाते थे वैसे साधक लोग। अब क्या, अब तो एकदम सीधे बस भी जा रही है, गाड़ियाँ भी जा रही हैं, और तो और हेलीकॉप्टर पहुँचा दे रहा है, अब पंगो तक को भी पहुँचा दे रहा है, तो अब ये लोग उठ करके वहाँ चले गए। यानी कोई भी ऐसा मंदिर नहीं रह गया जिसकी पवित्रता नष्ट न कर दी गई, सब जा जा करके अपने पड़ोसी माइंड से, क्योंकि सब मंदिरों को खोज लिया गया, और सिर्फ खोजा ही नहीं गया बल्कि वहाँ पर यह नहीं देखा गया कि यह किस आदर्श से बनाया गया है, सिर्फ यह देखा गया कि संविधान ने हमको कौन सा अधिकार दिया है। संविधान ने हमको अधिकार दिया कि ये सब जो है तुम्हारा है, तुमको कोई नहीं रोक सकता है, तुम जिसमें चाहो घुसो, जो रुकेगा उसके खिलाफ कंप्लेन कर दो, कि हमारे अधिकार से हमको वंचित किया जा रहा है। यह नहीं देखा गया कि तुम्हारी पात्रता क्या है, वह किस उद्देश्य से बनाया गया है, और तुम अभी हो किस उद्देश्य से। तो लोग अपने कहने लगे कि नहीं, हमको जाने दिया, हमको क्यों जाने से रोका जा रहा है मंदिर में, हमको भी अधिकार है, संविधान ने अधिकार दिया है, हम जा सकते हैं, जो रुकेगा उसके खिलाफ कंप्लेन कर दो। परंतु वे सब अलग उद्देश्य से बनाए गए थे, और वे उद्देश्य नष्ट हो गए, अब ऐसे मंदिर रह नहीं गए। हमारे संविधान ने नष्ट कर दिया इन मंदिरों को, ऐसे मंदिरों को, जहाँ जाने का अधिकार सिर्फ उनको था जो कि साधक थे, जो उस पवित्र भावना से जाते थे। अब तो सब जा रहे हैं, हेड़ा भर जा रहे हैं, वहाँ वही मांग रहे हैं जाकर के, फिर वहाँ से लौट रहे हैं। उनको अपने मांग से मतलब है, अपने अधिकार से मतलब है, जबकि हम लोगों को वास्तव में अध्यात्म को ऐसी ज़रूरत थी, कम से कम ऐसे कुछ स्थान हो जहाँ सिर्फ साधक लोग जाएँ, या ये लोग नहीं जाएँ। ठीक है, इतने ढेर सारे मंदिर हैं, तुम लोग की कामना के लिए इतने मंदिर तो पर्याप्त होने चाहिए, कुछ तो मंदिर छोड़ दो साधु संतों के लिए जहाँ वे ही लोग जाएँ शुद्ध रूप से। लेकिन एक भी मंदिर ऐसा छोड़ा नहीं गया, छोड़ना नहीं चाहते कोई। तो लिहाजा अब विकल्प यही है, क्योंकि भाई कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून सब, लिहाजा विकल्प यही है
कि जहाँ बैठिए अपने मन को ही मंदिर बनाइए, और मन को मंदिर बना करके कहीं ऐसी जगह बैठिए जहाँ संविधान का अधिकार नहीं चलता हो, जहाँ जो है आप बैठ सकते हो, चाहे ये नहीं कहें इसी खोपड़ी में घुसने का भी मुझे अधिकार है, ऐसा कम से कम नहीं हो, तब जा करके आप जो है उस पवित्रता को छू सकते हैं जिसका कि शास्त्रों में वर्णन है। वैसे आजकल तो बैठने भी नहीं दिया जा रहा है, मैं देखता हूँ, मुझे कुछ साधुओं के उदाहरण ख्याल है, मैं एकाध का उदाहरण बताता हूँ, एक का बताता हूँ। वो बेचारे चुपचाप बैठते थे, अपना भजन करते थे, लेकिन उनको चुपचाप बैठने नहीं दिया गया। लोग जाते थे पहुंचाने के लिए, मान लो कोई भिक्षा देने के लिए चला गया, तो भिक्षा दिया, तो ऐसा नहीं कि भिक्षा दे करके वहाँ से विदा हो गया, वो वहाँ से कुछ पूछेगा, जानेगा, नाचेगा, फिर अपने उन्हीं मांगों की पूर्ति के लिए उसके पर कुछ दबाव बनाएगा कि किसी तरह से हमारा भी कोई कल्याण का रास्ता बताइए। कल्याण जिसको वह समझता है, कल्याण जिसको वो साधु समझता है कल्याण, वह नहीं वह जो समझता है कि मेरा कल्याण इससे है, यानी कल्याण की परिभाषा भी वो खुद निर्धारित करता है जो व्यक्ति के आए मांगने, भले वो समझता हो। जैसे कि एक बच्चा खुद सोचे कि एक जो है पिस्टल लेना मेरे कल्याण का है, जबकि माता पिता ये सोचे कि नहीं इससे इस बच्चे को नुकसान हो जाएगा, बच्चा सोचे कि जो है आग जो है वह मेरे कल्याण का विषय है, मैं पटाखा चलाऊंगा, लेकिन माँ बाप सोचे कि नहीं ये जल जाएगा, इसकी आँख फूट जाएगी, कान के पर्दे फट जाएंगे। तो माँ बाप अब अपने हिसाब से उसको कुछ चीज़ मुहैया कराए या उसके हिसाब से करे, अब यहाँ पर एक प्रश्न यह उठता है। तो वैसे लोग चले जाते हैं जो अपने हिसाब से सोचते हैं कि मेरे हिसाब से यह कल्याण का विषय है और यह पूरा होना चाहिए, और उसके लिए फिर वे बहुत कुछ करने लगते हैं, सेवा भी करते हैं और दबाव भी बनाते हैं, यानी सेवा के बदले में चाहते हैं कुछ, यानी वो निष्काम सेवा नहीं रहती, फिर वो सकाम सेवा हो जाती है कि आपने सेवा दिया उसके बदले में फिर कुछ चाह रहे हैं। साधु से आप उपदेश लीजिए ना, अध्यात्म संबंधित उपदेश लीजिए, उसके जीवन संबंधित कुछ उपदेश लीजिए। मान लीजिए कभी आपको कोई बहुत भौतिक व्यथा भी हो सकती है, पारिवारिक व्यथा हो सकती है, उसके लिए कोई उपाय हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर दबाव बनाना, मैं तो ऐसे को जानता हूँ जिसका उदाहरण मैं देने जा रहा हूँ, उनके तो है, उनको इतना परेशान हो करता था, वो यादव बिरादरी का आदमी था जो भोजन पहुँचाता था, मैं उसका नाम नहीं जानता हूँ, तो वो जाता था दूध वूध पहुँचाता था, कहता तो वह साधु जी ऐसे ऐसे है हमारे घर में समस्याएँ आती है, रोज कहता था परेशान कर दिया करते करते, अंत में वो क्रोधित हो गए, थोड़ा झुंझला गए, झुंझला करके उन्होंने अपना एक बाल तोड़ कर दिया, लो इसको रख लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उससे उसका जो वह समझता था मेरा कल्याण, उससे उसका वो बात बन गया, उसने उस बात को बता दिया अन्यों को भी। अब इसने तो सेवा की थी कुछ थोड़ी बहुत, जैसे भी सेवा तो की थी, अन्य लोग तो पहुंच गए डायरेक्टली बाल मांगने के लिए कि अब हम लोग को डायरेक्टली बाल चाहिए हाँ, और धीरे 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 उसको उसका बाल निकालने के लिए वो सब क्या करने लगे, गणित लगाने लगे कि उनकी मालिश करने लगे, और मालिश इतने ज़ोर से करने लगे कि जिससे उनका बाल टूट जाए। उसका उद्देश्य मालिश करना नहीं था, उनका उद्देश्य था कि बाल तोड़ देना है, इतने ज़ोर से इसको ऐंठना है हाथ को पैर को कि बाल टूट जाए इसमें से, और वो बाल मेरा हो जाए और उससे मेरा काम बन जाएगा। दो दिन तक रहे वो, और वो ज़्यादा दूर की बात नहीं है, ये आप ही लोग के क्षेत्र की बात है, मैं कहीं और की बात नहीं कर रहा हूँ, आप ही लोग के क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, आज से करीब 25 वर्ष के आसपास हो रहा होगा। तो अब वे बेचारे वहाँ से फिर भागे, भागना पड़ गया उनको, अपने साधना में व्यवधान पड़ गया। तो एक जगह बैठने की भी आज़ादी अब ख़त्म हो गई है, अब तो भागते भागते ही यदि कोई कुछ कर ले तो कर ले चलते चलते ही कोई कुछ कर ले तो कर ले, यदि कोई बैठ गया
तो वहाँ भी वे जमघट लगा देंगे, क्योंकि हम लोग की कामनाओं की दौड़ इतनी अंधी हो चुकी है कि जहाँ भी जाते हैं उन्हीं कामनाओं को लेके जाते हैं, और इतने अंधे हो जाते हैं कि चाहे किसी से मांगना पड़ जाओ, पेड़ से मांगना पड़ जाओ तो पेड़ से भी मांगेंगे लेकिन पूरा करके दम लेंगे। गाय से मांगना पड़ेगा तो गाय से मांगेंगे, भेड़ से मांगेंगे, बकरी से मांगेंगे, ईंट से मांगेंगे, पत्थर से मांगेंगे, नदी से मांगेंगे। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जिससे नहीं मांगेंगे। मजार चले जाएंगे, कहाँ नहीं चले जाएंगे, चाहिए। तो कामना की भूख इतनी ज़्यादा हो गई, तृष्णा इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसके लिए कुछ भी चाहिए और कैसे भी चाहिए, हर तिकड़म लगा देते हैं। और उस और वो जो चीज़ मिलती है इतने ज़्यादा उपद्रव के बाद, वह चीज़ हमें क्या देगी? एक बड़ा और नया असंतोष। जो भी चीज़ मिलेगी वह एक बड़ा और नया असंतोष देगी। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, इतने प्रयासों के बावजूद जब आप पाएंगे तो एक बड़ा और नया असंतोष ही मिलेगा, और उसके लिए फिर पुनः जो है और तेज़ गति से दौड़ना पड़ेगा। आज अमीरों के यहाँ फ्रस्ट्रेशन क्यों है? अमीरों के यहाँ इसीलिए फ्रस्ट्रेशन है, अमीर सब इतने हतोत्साहित हो चुके हैं क्योंकि वे और तेज़ गति से दौड़ रहे हैं, और जितना बटोर रहे हैं उतना और तेज़ गति से दौड़ने के लिए विवश होना पड़ रहा है। एक्सीलेटर दबाते जा रहे हैं, दबाते जा रहे हैं, दबाते जा रहे हैं, लेकिन तो गाड़ी चाहे कितनी भी अच्छी बनी हो, अगर आप उसका एक्सीलेटर दबाते ही चले जाएंगे तो एक समय फुल स्पीड दिखाने लगेगा और गाड़ी तो वाइब्रेशन करने ही लगेगी, कांपने लगेगी गाड़ी, और एक्सीडेंट करेगी, कहीं ना कहीं मारेगी धक्का, गाड़ी भी टूटेगी, आप भी टूटेंगे, आपके घर वाले भी रोएंगे। यही हाल हो रहा है अमीरों को, एक बिल्कुल ब्लाइंड एंड मिल रहा है कि जिसके बाद अब कुछ है ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा उनको कि अब कहाँ जाएं। तो वे लोग फिर क्या कर रहे हैं, उनके पास फिर क्या विकल्प रहता है? सब संसाधन बटोर लिए और उसके बावजूद भी कुछ भी नहीं पाए, एक बड़ा असंतोष पाए, एक बड़ा फ्रस्ट्रेशन पाए, तब वे क्या करते हैं? फिर वे ड्रग की ओर जाते हैं। इसलिए इतने अमीर लोग ड्रग जाते हैं, इतने फिल्म इंडस्ट्री में इतने जो जा रहे हैं वो कैसे जा रहे हैं? इसीलिए नशा, एक प्रश्न एक उठता है क्या, क्यों इतना नशा है? नशा इसीलिए है कि हम जो कुछ भी पा रहे हैं वो हमारे लिए एक और बड़ा संतोष ला रहा है, और एक नया संतोष और बड़ा संतोष। अब उसके कारण जो है फिर दिमाग जो है काम नहीं कर रहा है, फिर आदमी थक जा रहा है। 100-200, 200-300 करोड़ के सिनेमा से कमा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी फिर उनकी दुर्गति, और जो लोग उसमें स्ट्रगलर हैं जिनको अभी फिल्म नहीं मिल रही है उतनी, उनसे भी ज़्यादा वो परेशान हो जा रहे हैं, और वे फिर जो है उसी ड्रग में अपना कुछ सुकून पाते हैं। अब हाँ, तो वैसी स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो यह जो है, इसीलिए भगवान बुद्ध ने या जितने भी संत रहे सभी ने कहा, इन कामनाओं के जो जाल हैं इसको समझो, इसके परिणाम को समझो, और अपनी आवश्यकताओं को जितना तुम सीमित रखोगे, कम रखोगे, जितना तुम्हारी निर्भरता कम रहेगी उन पर, उतने तुम संतुष्ट रहोगे, और जितनी निर्भरता ज़्यादा हो जाएगी उतना तुम रोओगे उसके अभाव में। जैसे कि अभी कूलर है, ये कूलर की आदत लग गई और जहाँ कूलर नहीं हुआ वहाँ रोना शुरू हो जाएगा, एसी लगा लिए, एसी की आदत डाल ली, जहाँ एसी नहीं रहेगी वहाँ रोने लगेंगे, और तो चक्कर भी आने लगेगा, बेहोश होकर गिर जाएंगे, साधारण सी जगह में भी उनको जो है पसीने छूटने लगेंगे। चरचक्का की आदत लगा ली तो अब दो चक्का में चढ़ने में जोर होने लगेगा, दो चक्का की आदत लगा ली तो देखता हूँ बच्चे सब साइकिल पर नहीं चढ़ना चाह रहे, उनको तुरंत दो चक्का चाहिए, उसी से जाएंगे। जिनको चरचक्का की आदत लग गई अब वो दो चक्का में जाना चाह रहे हैं, उस पर चाहिए, उसके जैसे ही उसका अभाव कर दिया जाता है कि वो दुखी हो जाता है, पीड़ित हो जाता है। मोबाइल की आदत लगा ली गई, मोबाइल जब्त कर लिया जाएगा तो एकदम पीड़ित हो जाएंगे, अब समझ में नहीं आएगा कि अब क्या करें, वो इतना परेशान हो जाएंगे, उनको लगेगा कि अब इससे अच्छा तुम जहर खा लो। लड़का है लड़की के ऊपर इतना निर्भर हो जा रहा है कि अब उसके बगैर जो है वो नहीं सोचता कि हम जी पाएंगे, तो वो आत्महत्या करता है, हम कर लेंगे, अगर मेरी शादी उससे नहीं कराई तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, और जब शादी हो गई तो कहेगा कि अब इससे नहीं तोड़वाई तो मैं आत्महत्या कर लूँगा क्योंकि इसने जीना इतना आराम कर दिया
कहा, जो कि हर जो भी चीज़ हम पाएंगे एक बड़ा और नया संतोष देगा, और कुछ नहीं देगा। जो भी पदार्थ पाएंगे, चाहे हम पत्नी के रूप में पाएँ, चाहे किसी वस्तु के रूप में पाएँ, जैसे भी पाएँ, इसीलिए पाने की जितनी हवस है वह हम लोगों को असंतुष्ट ही करती चली जाएगी, और ऐसा संतुष्ट कर देगी कि एक तरह से हम लोग को विक्षिप्त कर दे। हम लोग एक विक्षिप्त प्राणी, पूरा मानव समाज विक्षिप्त हो गया है, और इसीलिए इतने विक्षिप्त लोग ही युद्ध के लिए आमादा हो चुके हैं, संसाधनों के युद्ध के लिए। भारत लड़ रहा है, चीन लड़ रहा है, पाकिस्तान लड़ रहा है, अमेरिका लड़ रहा है, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस, सब लड़ रहे हैं। एक एक आदमी, एक एक प्रांत, एक एक पार्टी, एक हर संप्रदाय सब लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि जो तथाकथित धार्मिक हैं वे भी युद्ध कर रहे हैं, इनका भी युद्ध चल रहा है, क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग स्तर पर वासनाएं, कामनाओं का जाल है, और उससे मन जो है बिल्कुल क्लेश में डूब चुका है। अब इसलिए वो युद्ध कर रहे हैं, हर स्तर पर युद्ध कर रहे हैं। तो हम लोग उस युद्ध की धारा को समझें, और अपने मन में जो द्वंद्व चल रहा है, और संसाधनों का, संसाधन की जब मैं बात करता हूँ तो सिर्फ वह संसाधन नहीं जो कि भौतिक संसाधन है, बल्कि जन संसाधन भी, मानव संसाधन भी, और प्राणी के संसाधन भी। मानव भी एक संसाधन है। अनुयायियों की संख्या बढ़ाना, शिष्यों की संख्या बढ़ाना, संप्रदायों की संख्या बढ़ाना, आश्रमों की संख्या बढ़ाना, तमाम तरह की जो भी संख्या की वृद्धि चाह रहा है, यानी जो विकास चाह रहा है, सब परेशान है। उसका दिमाग एक तरह से विक्षिप्त दिमाग है, क्योंकि वह कुछ ना कुछ हवस लेकर के बैठा हुआ है, कामना लेकर के बैठा हुआ है कि मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, मैं वो कर दूँ। जब तक मैं ये कर दूँ वो कर दूँ की हवस है, तब तक उसका दिमाग कहाँ से शांत रहेगा। जो चुपचाप बैठ गया, बैठ के अकेला भी मुस्कुरा सकता है, बस जितना हूँ, जो हूँ, जैसा हूँ, संतुष्ट हूँ। ऐसा तभी होगा जब मैं अभाव में जी सकता हूँ और मुस्कुरा कर जी सकता हूँ आनंद से, तब जा करके हम उस लक्ष्य को पहुँचेंगे जिस लक्ष्य की बात